हमारे संघ को लेकर हमारी कुछ कन्विक्शंस हैं जिसके आधार पर संघ की सोच बनी है। उसमें पहली बात ऐसी है, वन नेशन वन पीपल वन संस्कृति। मैं कल्चर जानबूझ के शब्द नहीं प्रयोग कर रहा, कल्चर वो बहुत छोटी है। ये जो एक राष्ट्र एक जन एक संस्कृति, ये हमारी कन्विक्शन है, ये हमारा नारा नहीं है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर भाषा मत पंथ हर प्रकार के रहन सहन खान पान वाला व्यक्ति इस देश के अंदर एक राष्ट्र एक जन एक संस्कृति। ये जो सारी हमारी सोच बनती है, जो हमने काम किया है उसके मूल में ये है। इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की और हमारी हमारा संघ का राष्ट्र को लेकर जो हमारी कल्पना है, ये जो वेस्ट में राष्ट्र की कल्पना शुरू हुई, जो सिटी स्टेट से प्रारंभ हुई, एम्पायर्स में आई, थियोक्रेटिक स्टेट की ओर बढ़ी, थियोक्रेटिक स्टेट से वो धीरे धीरे करके आज का मॉडर्न नेशन स्टेट के अंदर आया और अनेक प्रकार की उसके प्रकार बने, हमारा राष्ट्र वैसा नहीं। हमारी राष्ट्र की कल्पना हमारी एक हजारों साल की एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसको हम कहते हैं, ये उसकी एक कल्पना है। हमारा राष्ट्र का जीवन एक प्रवाह है जिसके मूल के अंदर एक दर्शन है। सब में हमने एक तत्व को देखा, जब सब में एक है तो कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई भेद नहीं हो सकता। सब में एक है तो विविधता दिखती है, वो विविधता नहीं है, उस विविधता के पीछे की उस एकत्व को देखने की आवश्यकता है। जीवन का लक्ष्य ये सुख की प्राप्ति है। ये सुख जो है ये भौतिक बातों में नहीं है, आत्मा का सुख यही सच्चा सुख है और वो प्राप्त करना है तो वो भोग से मिलने वाला नहीं है। अंततो गत्वा जीवन को एक अध्यात्म के आधार के ऊपर जीवन की देखने की दृष्टि, ये जो एक हमारा दर्शन था उस दर्शन के आधार के ऊपर हमारे मूल्य बने।